नमस्कार दोस्तों, मैं विनय बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट साहा मार्केट आगरा से। दोस्तों, मेरे हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दोस्तों एक वीडियो लेके आया हूँ और इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, जितने भी आपके सैमसंग के MTK फ़ोन आते हैं या सैमसंग के जो भी आपके फ़ोन आते हैं, उससे हम पिट फाइल कैसे निकालते हैं। उससे हम पिट फाइल जो आती है, जो हमारी फ्लैशिंग के काम आती है, जैसे हम किसी UFI बॉक्स से किसी फ़ोन को हम रिपेयर करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, उसकी चाहिए पिट फाइल चाहिए। और एक फाइल आपकी आती है BL, इसको बोलते हैं बूट लोडर फाइल्स। तो उस फाइल को हम कैसे ओपन करते, कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे हम यहाँ पर मैं आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी भी फ़ोन की हमें फ्लैश फाइल आती है, जब भी हम किसी फ़ोन की फ्लैश फाइल आती है, तो उसकी जो फ्लैश फाइल होती है वो आपकी आती है BL AP CP CSE। जैसे दोस्तों, मैं आपको दिखा पाता हूँ यहाँ पर कि ये मेरे पास कुछ सैमसंग की फ्लैश फाइल पड़ी है। जैसे मान लो मेरे पास मॉडल नंबर है A107F, सैमसंग A107 है। तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, ये हमारी फाइल बिन रार में है, इसे हमें करना पड़ता है अनजिप। तो सबसे पहला काम है इस फाइल क्या करते हैं, अनजिप। इसे मैं अनजिप कर लेता हूँ, तो ये फाइल हमारी अनजिप हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, सब्सक्राइब। अगर कुछ आपको अच्छा, कुछ नया, कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें और प्लीज़ कमेंट भी किया करें। और दोस्तों, अगर आप भी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप भी सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हाईटेक इंस्टीट्यूट आइए आगरा में, जो साहा मार्केट में है हाईटेक इंस्टीट्यूट। तो आप भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लैपटॉप या कोर्स करना चाहते हैं, या आप LCD का कोर्स करना चाहते हैं, कम्प्लीटली कोर्स करना चाहते हैं, तो आप एक बार आके हमारे यहाँ विजिट करिए। दोस्तों, दो दिन की डेमो क्लास हमारी फ्री क्लास होती है, सर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि हमें कोर्स करना चाहिए, हमारी इनकम है या नहीं, उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों, अभी क्या है यहाँ पर हमारी जो फ्लैश फाइल है वो क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, यानी हमारी फाइल अनजिप हो रही है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि सैमसंग का कोई भी मॉडल आता है, तो उस मॉडल को में फाइल जो आपकी आती है वो आपकी आती है AP BL CP CSE एंड होम CSE। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मेरी फाइल जो है अनजिप हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी ओनली AP फाइल यहाँ पर शो कर रहा है, अभी BL फाइल, CP फाइल एंड CSE फाइल यहाँ पर शो नहीं हुई है। तो जस्ट दोस्तों, जैसे ही हमारी फाइल सारी अनजिप हो जाएंगी, वैसे ही हमारी यहाँ पर 4 से 5 फाइल यहाँ पर शो करेगा। तो दोस्तों, जब भी किसी फ़ोन को UFI से हम जब फ्लैश करते हैं तो, या फ़ोन को डेड बूट रिपेयर करते हैं, तो हमें पिट फाइल और BL फाइल का यूज करना पड़ता है। तो आपको पिट फाइल निकालनी कैसे है, इसी वीडियो को मैं आगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, फाइल को अनजिप किया है, जस्ट फाइल मेरी अनजिप हो गई है। देखिए दोस्तों, अब हमें सबसे पहले करना क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों हमारी फ़ोन की फ्लैश फाइल है, आप देख पा रहे हैं, ये AP फाइल आ गई, BL फाइल आ गई, CP फाइल आ गई, CSE फाइल आ गई एंड CSE OMC एंड एक फाइल आपकी आ रही है होम CSE। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी फ्लैश फाइल आ गई, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी, अब आपको पता ही है कि अगर हम इसे हम फ्लैश करते ओडिन से, आपको पता ही है कि अगर हम इसे फ्लैश करते हैं ओडिन से, तो ओडिन से फ्लैश करने आपको 3 फाइलें 4 फाइलें लेनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा ओडिन टूल रहता है। तो यहाँ पर ये लिखा BL, तो BL पर जब क्लिक करते हैं तो BL वाली फाइल डालती है, ये वाली फाइल। अगर हम क्लिक करते AP पर तो हम ये AP वाली फाइल लेते हैं, जब क्लिक करते हैं CP पर तो CP फाइल लेते हैं, ये वाली CP, और क्लिक करते हैं CC पर तो आप CSE, OMC या होम CC कोई भी फाइल आप ले सकते हैं। तो ये तो आप दोस्तों ओडिन से फ़ोन को फ्लैश करने का तरीका है। बट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि पिट फाइल, जो हम पिट फाइल यहाँ पर सेट करते हैं, जो हम पिट फाइल यहाँ पर लेते हैं, ये हमारी पिट फाइल यहाँ हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें फाइल हमें कहाँ से निकालेंगे। तो हमें दोस्तों फाइल को हमें निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, क्योंकि देखिए आप, तो यहाँ पे आपकी AP है, BL है, CP, CC, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं CC पर, राइट क्लिक करते हैं CC पर, राइट क्लिक करते हैं CC पर, CSE पर राइट क्लिक करना है, और आपको 7-zip में, आपको 7-zip क्या करना है, आपको एक्सट्रार्ट आपको हेयर कर लेना है, यहाँ पर 7-zip में एक्सट्रार्ट हेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने फाइल को अनजिप किया, यहाँ पर हम फाइल को क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये फाइल है, ये है, ये है और ये है, इसे मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, क्या मार दो, डिलीट मार दे रहा हूँ। अब दोस्तों देखो, ये दोस्तों यहाँ आपकी A10S, सैमसंग A10S की आपकी पिट फाइल आ गई,
8NS की आपकी ये पिट फाइल आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पिट फाइल निकाल ली। अगर आपको पिट फाइल जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से पिट फाइल को, फिर दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं और ई में जैसे गए, बैकअप में गए, फाइल्स में गए, और ये आपकी आपकी पिट फाइल दोस्तों यहाँ पर शो कर जाती है यहाँ। तो हमने पिट फाइल कैसे निकालना, तो जितने भी दोस्तों आपके सैमसंग के फ़ोन आते हैं, अगर हमें पिट फाइल निकालना है तो आप कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको CSE पर जाना है। CSE पर जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है 7zip में। 7zip एक 7zip सॉफ्टवेयर आता है, जिसे एक आपका विंडा रहता है वैसे हमारा आता है 7zip। उसमें आपको क्या करना है, इसे अनजिप कर लेना है, और अनजिप करने के बाद आपकी पिट फाइल आपकी शो कर जाएगी। तो दोस्तों ये पिट फाइल हमारी बहुत काम की फाइल होती है। अगर आप चाहते हैं ये पिट फाइल का यूज क्या होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको 100% बताने की सोल्यूशन करूँगा पिट फाइल का यूज क्या होता है। तो वैसे मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ कि जैसे हम UEFI बॉक्स ओपन करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे फैक्ट्री इमेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं सैमसंग, यहाँ पर लेते हैं सैमसंग, जैसे यहाँ पर सैमसंग सेट किया दोस्तों, यहाँ क्या पिट फाइल आपको देनी पड़ती है। तो जैसे पिट फाइल पर हम क्लिक करते हैं, और पिट फाइल पर क्लिक करने के बाद जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, हम फाइल्स पर गए, बैकअप, सैमसंग, ये आपकी आगे पिट फाइल। तो जैसे दोस्तों हम पिट फाइल डालेंगे, वैसे आपकी यहाँ पे BLAP CP CC सारी फाइल दोस्तों यहाँ पर शो कर देगा, और हम फोन को हम फ्लैश कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार में मैंने बताया कि पिट फाइल को हम कैसे निकालते हैं, CSE से हम पिट फाइल को कैसे निकालते हैं। बस दोस्तों यही मेरा बताने का मतलब था कि हम पिट फाइल को कैसे निकालते हैं।